फाउंडेशन की नोएडा की पहली जो इवेंट है, इसका जो पहला कार्यक्रम है, इसमें मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं आप सब से मुखातिब हो सकूं और प्रभा खेतान फाउंडेशन के बारे में आपको संक्षेप में बता सकूं। करीब 4 दशक पहले डॉक्टर प्रभा खेतान फाउंडेशन ने नींव रखी थी इस संस्था की, और तब से अब तक प्रभा खेतान फाउंडेशन साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। देश विदेश में कई जगहों पर अपना कार्यक्रम करता रहता है और हिंदुस्तान का नाम जो है वो और उसकी उपस्थिति जो है विदेश में और पुख्ता करता रहता है। और इस प्रयास के दौरान प्रभा खेतान फाउंडेशन से कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनमें न क्षमता की कमी थी, न इच्छा की कमी थी, कमी थी तो सिर्फ अवसर की, और वो अवसर प्रभा खेतान फाउंडेशन ने उन लोगों को दिया है, सशक्त किया है। ऐसे ही एक ग्रुप का जन्म हुआ जिसे हम आज एहसास वुमन के नाम से जानते हैं, और आज पूरे भारत में न कि विदेश में भी एहसास वुमन जो है प्रभा खेतान फाउंडेशन के साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन करती आ रही हैं, जिसके लिए हम सब प्रभा खेतान फाउंडेशन के बहुत धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर प्रभा खेतान ने कहा था जब इन्होंने 1980 के दशक में संस्था की स्थापना की थी कि कर्म ही पूजा है, और श्री संजीव भुटोरिया जी आज वो इस कार्यक्रम में नहीं हैं, पर उनको और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और सराहना करती हूँ कि उनके उस मोटो को लेकर वो लोग इतने आगे तक आए हैं, और ये शुभकामना देती हूँ कि और भी आगे तक ये लोग जाएं। पीछे का साल जैसे कि आपने बताया पैंडमिक का था, एक पॉज था, पर निरंतरता कायम रही हमारे वर्चुअल कार्यक्रम के हवाले से। हम मिलते मिलाते रहे सब कलाकारों से, लेखकों से, सबसे रूबरू होते रहे। इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका और समय न लेते हुए मैं आग्रह करती हूँ कि बातचीत की शुरुआत के लिए श्री सुतर जी को बुलाएं। धन्यवाद। Thank you so much, Aradhana, for that lovely and brief introduction about Prabha Khaitan. The guest for the evening is none other than the talented sculptor, Ramwanji Sutar. He was endowed with all the qualities of a blessed child. The heroic-sized bust of Mahatma Gandhi is one of his well-known creations, and copies of it have been presented by the government of India to foreign countries, including Russia, England, Malaysia, France, Italy, Argentina, Caracas, and Barbados on the occasion of Gandhi centenary celebrations. Sutarji designed the 597 feet tall Statue of Unity, the tallest statue of the world, located in Gujarat, which was inaugurated by our own Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi. In 1999, he received the Padma Shri, and later in 2016, the prestigious Padma Bhushan from the Government of India. In October 2018, Sutarji received the Tagore Award for Cultural Harmony of 2016. In conversation with him is our own Ehsaas woman of Noida, Shinjini Kulkarni. Shinjini Kulkarni is a well-acclaimed Kathak dancer and a disciple of Pandit Birju Maharaj. I would now request Shinjini to start the conversation and for a lovely audience to sit back, relax, and enjoy. For this wonderful introduction, and before anything else, I will request Guruji to please join us here. Thank you.
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकाल कर यहाँ आने का। कोविड के बाद माहौल कुछ इस प्रकार का है कि हमें बहुत सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, और उसके बावजूद फिज़िकल इवेंट कर पाने का ये मौका हमें मिला प्रभा खेतान फाउंडेशन के ज़रिए, एहसास विमेन के सपोर्ट के साथ, जिनमें से चार बड़ी ही खूबसूरत एहसास विमेन हमारे साथ आज यहाँ पे एकत्रित हुई हैं, सभी का धन्यवाद देते हुए, और सबसे बड़ा धन्यवाद गुरुजी का देते हुए। थैंक यू। गुरुजी, आज आपसे कुछ बात करने का मौका मिल पा रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे माँ बाबा दोनों पेंटिंग और स्कल्पचर में रहे हैं, तो बचपन से मैंने आपका नाम सुना है, पर इतना मौका नहीं मिला कभी कि यूँ आपके साथ बैठ पाऊँ इतने नज़दीक, और आपसे आपके काम के बारे में, आपके इतने दशकों के जर्नी के बारे में कुछ बातचीत हो पाए। जिस तरह का काम गुरुजी ने अपने करियर में किया है, द काइंड ऑफ बॉडी ऑफ वर्क दैट ही हैज पुट टुगेदर ओवर द इयर्स, यू नो, इवन 2 to 3 ऑफ दोज कैन क्रिएट एन एंटायर लेजेंडरी करियर ऑफ सो मैनी स्कल्पचर्स। दीज आर लैंडमार्क स्कल्पचर्स अक्रॉस द कंट्री, एंड वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज वर्क, बट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मैनी वेज इन विच इट हैज़ बिन archiving the political history of post-independent India. Guruji, जिससे पहले कि मैं तुरंत से ही आपके काम के बारे में और आपके कई sculptures के बारे में बातचीत शुरू करूं, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूं कि जो शुरुआत आपने की, आप विश्वकर्मा फैमिली से belong करते हैं, और आप पहले artist हैं घर के, और आपके पापा लकड़ियों में, आपके बाबा लकड़ियों में काम करते थे, और बैलगाड़ी से लेके घर तक सब लकड़ी में बना देते थे। तो गोंडूर में जो आपका शुरुआत का समय हुआ है, उसकी कुछ यादें हमसे साझा करें आप। एक बात पहले कहना चाहता हूँ, मेरा जो राम सुतार, सुतार मींस कारपेंटर, हम कारपेंटर फैमिली से है, और कारपेंटरी जो है उसमें सब कुछ है, आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, और आर्टिस्टिक सेंस है, म्यूजिक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो यही कारण है कि हमने जो ये कारपेंटर की वजह से हमारे मतलब इसमें ये सारी चीज़ें आ गई हैं जी। और बचपन से एक छोटी सी बात कहूँ, जब मैं छोटा था तब हमारे घर में उपलिया वगैरह होते थे गाँव में, हाँ, तो बिच्छू होते थे, तो एक दफ़े बिच्छू ने मुझे काटा। बिच्छू काटने के बाद तो मैंने तो फिर वो बिच्छू को मार दिया, मारने के बाद फिर देखा ये इसका रंग और साबुन का रंग एक जैसा है, उस टाइम 501 नंबर का साबुन था वो मतलब उसका रंग जो वो इसी तरह, तो ये साबुन के ऊपर ही मैंने बिच्छू पहले बनाया, साबुन में से बिच्छू कार्व किया, ये बिच्छू ने मुझे काटा किया और मैंने उसकी मूर्ति बना दी मतलब यही एक स्टार्टिंग है। और बचपन में गांव में हमारी माँ के साथ हम सब तरह के काम करते थे, चाहे कुछ भी हो, पापड़ का है, ये कुर रही है, ये है, सब तरह के काम भी करते थे, और पिताजी के साथ भी गहन मारना, मतलब सारे सब काम जी, करते थे जी, बिल्कुल। तो हार्ड वर्क बचपन से करने की आदत रही। उसके बाद तो स्कूल में जाते जाते जब कोई मुझे टैलेंट दिखता है तो मुझे कुछ ना कुछ पूछता है, तो करते आए। मैंने सुना आप 8वीं कक्षा में थे शायद, जब बच्चे स्लेट और चौक पे क ख ग घ लिखते थे, तब गुरुजी ने उसी पे एक 8 mm की स्लेट की प्लेट पे चिजल करके एक म्यूरल निकाल दिया था, जिसमें कि शिवाजी महाराज अपना तलवार माँ भवानी को अर्पण कर रहे हैं। हाँ। और उसी पे आपको पहला अवार्ड भी मिला था, वो तो नहीं अवार्ड ने उसके जे जे कॉलेज में, मुझे मैंने सारा रिसर्च अच्छा। किया है गुरुजी जे जे कॉलेज में मेयो मेडल करके एक अवार्ड होता है, जो कि
सब स्टूडेंट्स को उसमें एडमिशन के टाइम मिलता है, तो गुरुजी को सबसे पहले वो पहला अवार्ड अपने आर्टवर्क के लिए मिला, और उसके बाद उनका काम से उनके प्रोफेसर्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बोला कि हम आपको सीधे ही कॉलेज के सेकेंड ईयर में ग्रेजुएट कर देते हैं, आपको पहला साल अटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं। तो स्टार्टिंग होता है जब हम काम करते हैं, ड्राइंग करते थे, पेंटिंग करते थे दीवारों के ऊपर, हमारी माँ पोताई करते थे, उसके बाद शिवाजी या रामदास स्वामी हम पिक्चर बनाते थे, तो ये सब चीज़ें टीचर देखते थे, वो हमें इंस्पायर करते थे। आगे चलते थे, हमें ऐसे एक टीचर मिले जिनका नाम श्री राम कृष्ण जोशी। तो इन्होंने उनका हमारा जो काम देखने के बाद उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, तो बहुत है, तो उनका आशीर्वाद ही सब, तो आज तक जितना सब कुछ काम हुआ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो इस तरह हमारे जीवन जो है, एक जैसे लट्टू होता है ना, तो समझो डाल दिया रस्सी, समझो ये नसीब हुई, हाँ। फिर जमीन पे डाल दिया, फिर वो घूमता जाता है, तो जैसी जगह मिलेगी वैसा घूमता जाता है। इसी तरह से मेरी लाइफ छोटे गांव से लेके आज तक इसे घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचा और यहाँ दिल्ली में स्थिर हो गए, क्या उन्हें इस तरह से बहुत कुछ काम हुआ आते कि मैं खुद ही नहीं जानता कि कितने आप तो दिल्ली में स्थिर हो गए, पर आपके आपकी कलाकृतियाँ देश विदेश भ्रमण करती रहीं जी। मैं जानना चाहती हूँ गुरुजी कि दिल्ली आने से पहले आपने ASI की एक छोटी सी नौकरी की थी, जिसमें आप एलोरा केव्स में थे जी। और वहाँ की एलोरा केव्स की जो पेंटिंग्स हैं उनको रेस्टोर करने में और स्कल्पचर्स को रेस्टोर करने में जी बहुत बड़ा आपका योगदान रहा है। वहाँ के स्कल्पचर रिस्टोर करने रिस्टोरेशन काम का 4 साल हमने काम किया। तो उसमें क्या करते थे गुरुजी, वहाँ केव्स को किस तरह से रिस्टोर करते नहीं थे? मतलब जहाँ क्रैक्स वगैरह है वो भर देने का है, जिसका नाक टूटा हुआ है वो नाक बना दिया, जो सीमेंट और ऐसा मिक्सर ऐसा मैं बनाता बिल्कुल पत्थर जैसा दिखे, ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर रिपेयर किए, पता ही नहीं चलता ये रिपेयर किया हुआ है। 4 साल हम काम किया, उसके पहले तो अब जब कॉलेज में थे तो हमारा काम देख के पता नहीं किसी को पता चला, और मैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से मुझे लेटर आया कि आप यहाँ आइए एलोरा केव्स में रिपेयरिंग करने के लिए। अच्छा, तो इस तरह से ऑटोमेटिक हमने जो किसको कोई पता चलता है ना वो हमें इंस्पायर करता था, तो आज तक इसी तरह से चला नहीं, और काफ़ी काम हुए। उसके बाद 4 साल होने के बाद फिर यहाँ आने का मौका है, सर्विस DAVP करके डिपार्टमेंट जी, वहाँ पे 1 साल काम करते करते प्रकृति मैदान में कुछ काम निकला, तो हमें ऐसे ही बाई चांस एक छोटी मूर्ति बनाई एग्रीकल्चर आदमी की, और लोग कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छे काम करते हैं, ये तो प्रगति मैदान में भी लगेगी, तो फिर सही वो प्रगति मैदान में मूर्ति ले गए और उन्होंने देखा बहुत अच्छा, हमें हमारे लिए 2 काम को बना दीजिए, वाह, और 15,000 का ऐसे 2 मूर्तियाँ 12-12 फीट के ऐसे 12 फीट की 2 मूर्तियाँ 15,000 बहुत सस्ता नहीं तब ये जो काम मिला ना तो हम सोचे कि अभी ये जो सर्विस है छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, तो गवर्नमेंट जॉब के साथ आप प्राइवेट तो काम नहीं, वहाँ के डायरेक्टर LN Iyer करके उसने बहुत कोशिश की ये काम तुमको नहीं मिलना चाहिए। अच्छा। बहुत कोशिश की, तो मैंने बहुत कुछ किया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये करेंगे सर्विस छोड़ सकते हो मगर ये काम नहीं छोड़ते हो, उनको बड़ा गुस्सा आया, कोशिश की बहुत, और ये कितने का काम है, मैंने ओनली 15 सही, इनके लिए 15,000 कुछ भी नहीं तो आखिर वो मान गए और हमने रिजाइन कर दिया, आपने जॉब छोड़ दी। और फिर वो बड़े बड़े स्कल्पचर प्रगति मैदान में लगे, वाह, इस तरह से चलता गया।
तो गुरुजी, एक सवाल जो मेरे मन में ज़रूर उठता है कि जब कोई इंसान एकदम ज़मीन से शुरुआत करता है, मुश्किलों से बढ़ता है आगे, मुझे पता है कि कॉलेज जाते समय भी कॉलेज फीस पे करने के लिए भी आपके गुरुजी ने आपकी काफ़ी मदद की थी, और उन तरह से जब एक इंसान को एक अच्छी गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाती है तो उसको लगता है कि हाँ, अब परिवार आराम से चल सकता है, पर उस समय भी आपने ये सोचा कि नहीं, मेरे मन में कला के प्रति जो प्रेम है, हाँ, वो उससे कहीं बढ़कर है। ये जज्बा गुरुजी कैसे आता है? इसीलिए मैं कहा था उनको कि मैं सर्विस छोड़ सकता हूँ मगर ये काम नहीं छोड़ सकता। इसी तरह सारी चीज ऐसी लाइफ में। एक इसी से जुड़ा किस्सा जो मेरे को हमेशा याद रहता है वो है चंबल देवी का जो स्कल्पचर आपने बनाया। यहाँ किताब है मेरे पास, मैं सभी को उसका एक फोटोग्राफ इस तरह से दिखाना चाहती हूँ इफ पॉसिबल। ये जो स्कल्पचर है ये मोर देन 40 फीट है इन हाइट एंड ये सीमेंट कंक्रीट से बना है जो कि लगता एकदम स्टोन फिनिश में है। एंड इसका गुरुजी से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का थॉट और अप्रोच क्या था, क्योंकि ये गुरुजी ने अकेले 1.5 साल में ये स्कल्पचर कंप्लीट किया है। 40 फीट स्कल्पचर, 1 पर्सन अलोन। वन ईयर। अच्छा, ये जब ये दो काम हो गए प्रकृति मैदान के, फिर उस टाइम एक आर्किटेक्ट थे जोगड़ीघर करके, डीवी जोगड़ी, तो वो जान गया कि भाई इस तरह से आप काम करते हैं, अभी सर तुमने सर्विस छोड़ दी, ये भी काम हो गया, तभी कहाँ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के लिए अशोक स्तंभ बना दो। अच्छा। हाँ जी, ये होने के बाद अशोक स्तंभ बना दिया, फिर और क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भोपाल में जो आर्किटेक्ट है करण गांवकर करके, तो वहाँ कुछ ना कुछ काम जरूर, भारत भूषण ऐसा था ना, भारत भवन बन रहा था उन दिन, वहाँ कुछ ना कुछ होता हो जी। फिर उन्होंने लेटर दिया, मैं भोपाल पहुँच गया। भोपाल पहुँचने के बाद फिर वो इनको बताया ऐसा ऐसा, मेरे काम भी बताया। तो मैं चलो देखे, इधर ये करेंगे वो करेंगे, इंडियन आर्ट का स्कल्पचर टाइप जी। फिर वापस आ गए ऑफिस में, उतने में फोन आया द्रविड़ करके मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, कि भाई ऐसे ऐसे एक देवी की मूर्ति बनानी है तो क्या किया जाए। अगर आप बहुत भगवान हैं तो ऐसे ऐसे मूर्तिकार आए, आइए आप उसका काम देखिए। तो आए काम देखे, मेरे पास फोटोग्राफ्स वगैरह थे गंगा यमुना का, ऐसी एक मूर्ति बना दी। तो गुरुजी, मतलब सोच कहाँ से थी जो हम देखते हैं कि इसमें ये दो साथ में भी हैं? ये मध्य प्रदेश राजस्थान। अच्छा, ये चंबल देवी, उन्होंने स्टोरी सुनाई थी मुझे कि ये मूर्ति बनानी है और ये जो फाउंडेशन है डैम का, तो ये कॉमन था, मध्य प्रदेश में जगह नहीं मिली तो राजस्थान में मिली। अच्छा। तो थोड़ा झगड़ा हो गया, फिर आखिर में तय हुआ कि भाई ये दोनों जो है दोनों के लिए, ये जब कल्पना की तो मैंने इस तरह से बनाया। बहुत सुंदर, क्या बात है। और ये मूर्ति बनाए, फिर वो कहते आप डिजाइन बना दीजिए, उनके घर में रह के डिजाइन बनाया, उनको बहुत पसंद आया। फिर कितनी बोरी चाहिए हम देख लेंगे। वहाँ जाके गए डैम पे, तो देखा कि बहुत बढ़िया जगह है, हम यहाँ खड़े थे, बीच में डैम था और ऐसी ऊपर जगह बड़ी, मैंने कहा ऐसे यहाँ मूर्ति होनी चाहिए। तो उनको बताया कि मेरी ये इच्छा है, कम से कम इतनी मूर्ति 40-50 फीट की बननी चाहिए, 40-50 फीट की। तो फिर वो कहते हैं कि तो इतना तो हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपये है, आप इससे जो कुछ करना करो। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये मूर्ति 10,000 में बनाई। आखिर मूर्ति तैयार हो गई तो 2,500 रुपये बचे थे, वो फिर बाद में मिल गई। अच्छा, उस टाइम हमारे अनिल बहुत छोटे थे, आपके बेटे जो हम छोटा, तो ऐसे फिर उनको बताया कि ये देखो मूर्ति,
वो कहते हैं बहुत छोटी है हाँ तो देखो ये भी समझो भाग है, उन्होंने कहना छोटी है मतलब सही आगे चल के बड़ी बननी है सचमुच। और फिर तो, अगर वो छोटी थी तो फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी से तो कोई बड़ी मूर्ति हुई ही नहीं। तो ऐसे ही भाग में हम ये था कि इस तरह से चलते चलते आदमी कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। मैं कभी पीछे देखा ही नहीं, मैं क्या था आगे भी नहीं सोचा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो भी नहीं किया। ये मेरे लाइफ में खास बात है, किसी ने इस तरह से सोच के नहीं चलना चाहिए। अभी जो सिंसियरली काम कर रहे हैं वो करते जाओ, ये आगे चल के कहीं ना कहीं पहुंच सकता है आदमी। यही मेरी लाइफ रही, मैं कभी नहीं सोचा कि मैं ये करूँगा मुझे ये मूर्ति बना, ऐसा कभी नहीं सोचा। अपना टैलेंट सिंसियरली करते रहिए, सब कुछ मिलेगा, कोई कमी नहीं होती। यू आर नॉट वर्किंग फॉर मनी बट फॉर वर्क यू मस्ट वर्क। इस तरह चले जो कुछ आना है तो आगे मुझे पीछे आता रहेगा। पहले काम करो, जो कुछ मिलना है मिल जाएगा। क्या बात, हमने कभी फोर्स नहीं किया मुझे इतना पैसा चाहिए, कभी नहीं। काम किया उसके मुताबिक मुझे आते गए, आज तक यही हाल रहा, कभी कोटेशन का सवाल ही नहीं। और ये सारे काम ऑटोमेटिक मिलते रहे मुझे जी, और लाइफ इस तरह से रहे हमारे। उसके बाद फिर हमारा अनिल, एक उनके बचपन में टैलेंट देखा, वो छोटे छोटे टुकड़े में कुछ ना कुछ करता था। एक दफे मार्केट जा रहे थे तो उस टाइम ABC उसने सीखा था, तो जा रहे थे उसने कहा ये रोड इधर जा रहा है इधर जाता है, ये तो H बन गया मतलब उस टाइम मुझे पता चला कि इनके दिमाग में आर्किटेक्चर ले गए। आगे चल के फिर वही सब्जेक्ट उनको उधर कि तुम ये मत करना, आर्किटेक्ट उधर जाना। वाह, कभी हम घर के ऊपर है, कभी प्लेन ऐसा घूम के गए, अरे इन्होंने तो जीरो बना दिया। ये सारी चीज़ें हमारे अनिल के अंदर थी जी। और आखिर में बेस्ट आर्किटेक्चर बन गए। क्या बात, और वो आर्किटेक्चर जो है हमारे साथ ना रहे अमेरिका में ना काफ़ी साल रहे, वहाँ भी काम किया। फिर कोशिश की कि भाई इधर आप आ जाइए, मैंने कहा कि मैं उधर नहीं आ सकता हूँ, आखिर में वो वापस आ गए। अब फिर हमारे साथ अभी काम में लग रहे। अभी हम ऐसे हैं जैसे कॉइन के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से हम आर्टिस्ट स्कल्प्टर है आर्किटेक्चर है, इस तरह से दोनों पहलू बहुत बढ़िया हम आज तक काम कर रहे हैं। हमारे भाग में ऐसा रहा, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाने का हम दोनों मिलके ये सारे काम होने का मौका आ गया, भाग है हमारा। वाह जी, ये इतनी खूबसूरत बात आपने अभी गुरु जी कही कि सिक्के के दो पहलू हैं और कर्म करने की ज़रूरत है, फल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी थॉट पे बेस्ड आपका एक स्कल्पचर है जो कि कृष्ण और अर्जुन को डिपिक्ट करता है एक चैरियट पे, कुरुक्षेत्र में ये है लगा हुआ, 60 फीट बाय 40 फीट, जिसमें कि गीतोपदेश के पॉस्चर में कृष्ण और अर्जुन है और साथ में घोड़े हैं। और ये सबसे खूबसूरत बात इसकी है कि ये काम बन होने से पहले, ये आपके पास आने से पहले आपने इसको बहुत पहले ही विजुअलाइज किया। जब यहाँ आए और ये स्कल्पचर के बारे में, जो रथ के बारे में मेरे दिमाग में ऐसे एक दफे आ गया था जी कि इस तरह से काम कर सकते, मगर तो भूल गए, मगर ऑटोमेटिक ये काम कैसे मिल गया पता नहीं। ये ऐसा संजोग रहा कि आपने जो अपने मन में एक छवि बनाई थी उसी का एक आइडिया किसी के मन में आया। बट मैंने सुना है कि आपने उसके पीछे बहुत रिसर्च की। तो गुरुजी, जब आप कोई भी एक इस तरह का स्कल्पचर प्लान करते हैं जो कि किसी पॉलिटिकल फिगर का पोर्ट्रेट नहीं है बट एक प्रॉपर स्कल्पचर है, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, उसका अप्रोच, उसका रिसर्च, उसमें आपका क्या सोच रहता है उसमें? ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि कारपेंटर फैमिली से जो भी इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर उसमें है, आप ये टैलेंट आ जाता है जी, अब टैलेंट आ जाता है।
तो आपके मन में जिस तरह की छवि उत्पन्न होती है उसी को आप फिर आगे क्रिएट करते जाते हैं. आई रियली वॉन्ट टू शो इट टू एवरी वन इफ पॉसिबल. आई टेक अ मोमेंट हियर बिकॉज दीज आर वर्क्स टू बी विटनेस्ड इन पर्सन द ब्यूटी दैट दे आर. Sixty feet by 45 feet, and you can see ये जो नीचे आप curves देख रहे हैं ये गुरु जी की सोच है कि जब घोड़े दौड़ रहे होंगे तो जो धूल उड़ती होगी उसको उन्होंने depict किया है sculpture में. और इसके पीछे भी ये इतनी खूबसूरत सोच है कि chariot usually चार पहिए होते हैं आगे और पीछे, but ये उन्होंने उस समय सोचा कि अगर ये घोड़े आगे की तरफ दौड़ रहे हैं तो आगे इधर चार पहिए होने से उसको लेफ्ट राइट मैन्यूवर करने में मुश्किल होती होगी. यहाँ तक की डिटेलिंग इस स्कल्पचर में आप देख सकते हैं. ऊपर हनुमान जी की मूर्ति एक विराजमान है जो कि एज पर द स्टोरी ऑफ महाभारत वो खुद थे बैठे थे ब्लेस कर रहे थे अर्जुन को ड्यूरिंग द वॉर. तो ये हाईली रियलिस्टिक एंड with such beautiful detailing, ये sculpture हम कुरुक्षेत्र में देख सकते हैं. गुरुजी, हम यहाँ दिल्ली में आए तो पहली मुलाकात गोविंद वल्लभ पंत जी थे ना? जी, गोविंद वल्लभ पंत जी, बिल्कुल. हमें पता चला, हम एक उस टाइम मद्रास में कुछ काम कर रहे थे रिलीफ, मुझे पता था कि इस तरह से काम होने वाला है और वो गोविंद रपन जी के अंडर है वो. अच्छा. मैं आया फिर उनसे मिला तो मिलने के पहले उनको कुछ काम बताना चाहिए ना. मुझे फोटो मिला गोविंद रपन का, अरे कैसा राउंड में रिलीफ बनाया, बना के फिर उनको जाके दिया किस तरह से, उनको बहुत पसंद आया. तो मैंने कहा जब सुना कि इस तरह सरदार पटेल का स्टैचू बनना जा रहा है पार्लियामेंट स्ट्रीट के दिल्ली में तो मैं कर सकता हूँ. अरे वो तो ठीक है, मगर हमने ये काम ऑलरेडी बॉम्बे में स्कल्प्टर है उनको काम दिया गया. अच्छा, चलो कोई बात नहीं. इस तरह का कि हम निकल गए, आगे चल के देखो वही गोविंद वल्लभ जी का मूर्ति का काम मिला मुझे. अरे वाह. रफी मत के द्वारा इस तरह से काम शुरू हुआ. पहली मूर्ति गोविंद रपन की मूर्ति, पहले राष्ट्रपति जो थे उन्होंने उद्घाटन किया था. वाह. उसके बाद कितने एक पीछे पीछे काम मिला कि मुरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उनको एक गांधी जी की छोटी मूर्ति देने का मौका आया किसके पहचान की वजह से जी. तो आगे चल के देखे कि आगे जब गांधी जी का कॉम्पिटिशन शुरू हुआ मैंने मूर्ति बनाई, हमारी मूर्ति उन्होंने सिलेक्ट किया. वाह. वही मूर्ति सिटिंग फिगर वो बनाई, आगे चल के मुझे वो काम मिला जो पार्लियामेंट में भी अब हम देखते हैं. वो मूर्ति कैनोपी में लगने वाली थी मगर लोगों ने कहा कि ये यूरोपियन लोगों ने अंग्रेज लोगों ने बनाए थे उस पर गांधी जी वहाँ लगना ठीक नहीं, इस तरह से फिर पार्लियामेंट में लगी. बिल्कुल. और सही देखा जाए पार्लियामेंट में जो लगे वो सिटिंग फिगर और ये कैनोपी है वर्टिकल थी जी. जो कुछ हुआ अच्छा वो मगर ये कैनोपी जो वर्टिकल रहे वो तो किस तरह से लगाया जाए यहाँ मूर्ति लगाने के लिए तो मायावती ने सतीश गुजरात को पूछा कि किसको किससे काम किया जाए. उन्होंने कहा कि राम सुतार ये काम कर सकते हैं, मुझे भला फिर इस पर काम करना है सिटिंग. जैसे अमेरिका में एक सिटिंग फिगर है का नाम ले गया तो उसी तरह से ऐसे बैठी हुई मूर्ति है जी, तो उसी तरह से बनाना है. तो मायावती ने मुझे बोला ऐसा ये करना है वो करना है और जल्दी बनाना चाहिए, बनाएंगे क्या नहीं, इतने टाइम में होना चाहिए, बोलो हाँ या नहीं. फिर मुझे हाँ करना पड़ता और फिर आखिर ये मूर्ति ने बनाई और उस बनाने के बाद उन्होंने इतना हार भी बनाया बार ही बार
तो इस तरह पहली मूर्ति अम्बेडकर की लखनऊ में बनी और ये हमारी मूर्ति उनको पसंद आया तो हम इस पीछे काम ही काम मिले। वाह क्या बात है, क्योंकि उस पार्क में जितने चाहे वो स्तंभ हो चाहे वो हाथियों के फाउंटेन्स हो, एक पार्क बना है एनिमल पार्क, तो सब तरह के एनिमल्स लाइफ साइज से डेढ़ गुना, बर्ड है प्राणी है तरह तरह के, पेड़ भी ब्रॉन्ज के बने हैं, पेड़ ब्रॉन्ज के, हाँ जी वाह, पेड़ के पत्ते वगैरह इस तरह से, क्या बात, तो इस तरह बगीचा बना है वो, हम बहुत सारी मूर्तियाँ मूर्ति एनिमल्स की, तो मायावती के जिराफ है, जिराफ भी डेढ़ गुना, मोर है मोर भी डेढ़ गुना, कोई पंछी है वो भी डेढ़ गुना, इस तरह से काम किया है वो। गुरु जी एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि 40s 50s जब आपने काम शुरुआत की थी जब जिस समय और उसके बाद दिल्ली आने के बाद से लेके अब पिछले एक 15 साल में स्कल्पचर बनाने की टेक्निक में मेथड ऑफ प्रोडक्शन में बहुत फ़र्क आ चुका है, काफ़ी नए मीडिया भी आ गए हैं जिसको इस्तेमाल करने लगे हैं लोग, और सबसे बड़ी चीज़ कि लोगों के टेस्ट में भी काफ़ी फ़र्क आ गया है कि जिस तरह के स्कल्पचर्स अब अप्रिशिएट होने लगे हैं वो पहले से कुछ फ़र्क हैं, तो आपकी क्या सोच है इसके ऊपर कि जब एक आर्टिस्ट विजुअलाइज करता है इमेजिन करता है और उसके बाद स्केच करता है तो उसके दिमाग में क्या कुछ चीज़ें होती हैं कि कितनी मुश्किल होगा, क्या मीडिया है, या आप पहले सिर्फ वो कलाकृति सोचते हैं जो आपके दिमाग में आती है? इमेजिन करना है, बहुत सारे लोग इमेजिन नहीं कर सकते, थोड़ी शेड से कहाँ ऊंचा होता है कहाँ डेप्थ होता है ये इमेजिन होना चाहिए और उसी तरह से फिर काम करना है। क्या बात है, बहुत डिटेल। और एक उसी से जुड़ा सवाल जो कि शायद आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता कि जब आप किसी इंसान का पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसका कैरेक्टर हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं पेंटिंग में या उसमें अलग तरीके से होता है, और स्कल्पचर क्योंकि थ्री डायमेंशनल है तो वो अलग ढंग से होता है, एक इंसान का एक स्कल्पचर उसके पूरे कैरेक्टर को डिफाइन कर जाए और हमें उसके बारे में बता दे, वो किस तरह से पकड़ा जाता है? अच्छा, चेहरे के ऊपर मसल्स होते हैं, गुस्सा आदमी तो चेहरे के ऊपर मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, जो हंसता है उनका क्या इफेक्ट होगा, कैसे शेड लाइट होती है, गाल कैसे होते हैं, मुंह कैसा होता है, इस ऊपर कैसा, ये सारे अंडरस्टैंड करना है फिर उस मुताबिक बनाना है, फिर पता चलता है कि ये मूर्ति है क्या स्वभाव की होगी पता चलता है। नेहरू जी थिंकर न, इंदिरा जी है न, एकता चलोर है, ये फीलिंग से देखकर स्टैचू बनाए हैं हमारे, एकता चलोर एकला चलोर फॉर इंदिरा गांधी जी, जी क्या बात है? उनकी पोज इस तरह से है, और गांधी नेहरू जी थिंकर हमेशा थिंक करते थे इस तरह, तो विचार करते चलते थे इस तरह, वही पोज फिर दिया, हाँ हाथ पीठ के पीछे पकड़ के और फिर चला करते थे, क्या बात है क्या बात है। तो इतने दशकों के बाद इतने सारे पॉलिटिकल फिगर्स को कवर करने के बाद गुरु जी क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा एक इंडियन लीडर या पॉलिटिकल फिगर है जिसका स्कल्पचर छूट गया हो? नहीं नहीं मैं सचमुच कह सकती हूँ आफ्टर रीडिंग अबाउट हिम आफ्टर रिसर्चिंग अबाउट हिम एंड हिज वर्क मैं सेफली कह सकती हूँ कि कोई भी नहीं, चाहे वो ईस्ट हो वेस्ट हो नॉर्थ हो साउथ हो, इंडिया के हर प्रांत का हर बड़ा लीडर अमर हुआ है गुरुजी के हाथों और उनके छुए हुए क्ले से। मूर्तियाँ बनती है और जाने के बाद उनको याद रहना चाहिए, इसीलिए स्कल्पचर बनाया जाता है, वो देख के लोग अपना हम भी उसी पौध के ऊपर चलना चाहिए। गुरु जी आपका जब शुरुआत गोंडूर में हुआ आपके गांव में और दिल्ली के अब आपके जीवन में
जिस तरह से आप उस समय एक बेफिक्री से स्कल्पचर काव कर देते थे, चाहे साबुन पे, चाहे अपने स्लेट पे, और अब जब आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे स्कल्पचर्स भी क्रिएट कर चुके हैं जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्कल्पचर्स में से हैं, जो एक आर्टिस्टिक इनोसेंस होती है जिसकी बात हम हमेशा करते हैं, जो मोदी के वजह से ये बड़ा स्कल्पचर बड़ा, उनकी जो इच्छा थी बनाने का और मेरे हाथ से ही पार्लियामेंट में सरदार पटेल की मूर्ति बनी 18 फीट की जी, और वही सबसे ज़्यादा अच्छी मूर्ति है और वो सिलेक्ट की गई, फिर उसी पे एनलार्ज करके वो बड़ी मूर्ति बनाई गई है। वाह, ब्यूटीफुल। पार्ट पार्ट में एनलार्ज करते करते वो बनाए स्ट्रक्चर होता है, इसमें सब कुछ इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर सब कुछ होता है, और सिर्फ ये एक ही आदमी का नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट जो इसी तरह के एक मैसिव स्केल पे बनने की बात है, थी भी और अब भी है, जिसके बारे में शायद हम मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं, वो ये स्कल्पचर है जो कि अरेबियन सी के अंदर प्लान हो रहा था, शिवाजी महाराज का, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लान कर रही थी मुंबई के समुद्र के किनारे अरेबियन सी में। गुरुजी, वो जब आप इमेजिन कर रहे थे और उसका जब आपने पहला प्रोजेक्ट का मॉडलिंग एक स्केच डिज़ाइन किया था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसके पीछे की टेक्निक क्या होगी कि समुद्र के अंदर आपको अपना स्कल्पचर प्लान करना है। पहले मैंने रंजीत सिंह का स्टैचू बनाया था पहले जी, महाराजा रंजीत सिंह, ये महाराजा रंजीत सिंह अमृतसर में लगा रामबाग में जी, पहली मूर्ति वो बनी। फिर उसके बाद जैसे घोड़े ना ऐसे ही घोड़े पर सब बनाने का मौका आ गया। तो ये कुछ उस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आगे हम देखते रहें और गुरुजी के और कई कमाल कमाल के स्कल्पचर्स के बारे में हम डिस्कस करें और उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करते रहें, ताकि हमारी कंट्री की हिस्ट्री भी और इस तरह से एनरिच होती रहे। आई नो वी आर आउट ऑफ टाइम, आई क्विकली ओपन द फ्लोर फॉर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस फॉर एन इंटरेक्शन विद गुरुजी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो उनसे पूछने के लिए, तो यू कैन प्लीज गो अहेड नाउ। जी, ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल जर्नी वी हैव हैड। आई थिंक हम सब मंत्रमुग्ध हैं आपकी बात सुन के। जो आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, प्रोग्रेस की बात कर रहे थे, वो कहाँ बनने की बात थी? ये सिग्नेचर ब्रिज के पास कहीं भी बन सकता है, जैसे प्लान किया था हमने, प्लान किया था यमुना नदी के पास, डीएनडी के पास। आपने बताया था नोएडा हाँ, राइट हैंड साइड की जगह पे, मगर वो हुआ नहीं, वो प्लान हुआ था जी। वेरी एमिनेंट पेंटर अमंगस्ट अस। ये सब इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर का है, पार्ट बना के स्ट्रक्चर में अंदर से बाहर से ऐसे लगा लगाते लगाते अंदर से स्कल्पचर मतलब स्ट्रक्चर है लोहे का, बाहर समझो ये एक कवर है स्टैचू का, फिर इसको अंदर से भी स्ट्रक्चर होता है कि जिसको सपोर्ट होता है, ये चलते जाता है, फिर बाहर से और दूसरा ना पार लगा दिया, वेल्डिंग कर दिया, इस तरह से चलते चलते करते हैं। का इस्तेमाल किया है, स्पेशल
आजकल एक टेक्निक होता है इलाज करने का, कोई भी पार्ट इसका पार्ट समझो इलाज कर दिया जाए उसी टाइप का बड़ा इलाज हो जाता है, तो वो प्रोपोर्शन तो वही टेक्निक से वो बनाए जी, ये कुछ ऐसे ठोक ठोक ऐसे नहीं, ये टेक्निक से ये बहुत सारी चीज़ें इंजीनियरिंग उठाने का, वहाँ बिल्डिंग करने का, वहाँ इतने लोग अंदर के लोग हैं बाहर भी लोग हैं, बहुत बड़ा काम है बहुत। और ये सिर्फ मेरा ही अकेला काम नहीं, ये पार्टी है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो टीम है, मेरे ओरिजिनल चीज़ हमारा जो डिजाइन है एक्सप्रेशन है वो खास बात है, वो हमारा नाम चुन, बाकी लेबर वर्क काफ़ी है बिल्कुल, बट उसके पीछे की जो पूरी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उसका सारा श्रेय आपको जाता है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, मैं दीपाली जी को इनवाइट करती हूँ टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। Henry Moore had said that a sculptor is a person who's interested in the shape of things, a poet in words, a musician by sounds. From carving a scorpion out of soap to designing the world's tallest statue, Ram Vanji Sutar is an embodiment of a true sculptor and his journey a commendable one. Thank you so much, Shinchini, for this engrossing and animated session. I would now ask Ms. Shweta Agarwal, the Ehsaas Woman of NCR, to please give the vote of thanks. Thank you, Dipali ji. I hope you all had a very mesmerizing evening. The silence and the calm on your face clearly depicts that. So now I would request Mr. Hazarika ji to please come and facilitate Sutriji. Guruji, please aiye. Now, he's going to be presented with a Kantha Utorio, and this is an endeavor to promote handicraft, which is from Bengal and all the way to Noida. Let's have a big round of applause, please. आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए। अब मैं श्वेता जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इवेंट क्लोज करें। थैंक यू। आपने यहाँ मुझे बुलाया तो हम क्या चाहते थे, क्या करते वगैरह, ये आपने थोड़ा समझ लिया, अच्छा लगता। थैंक यू हजारिका जी। So on behalf of the foundation, I would like to thank each one of you who are present here for your precious time. I hope you all enjoyed. I would like to thank the Dainik Jagran, our media partner, all our Ehsaas women, and Mr. Bhattoria ji and Anandita ji for weaving such a beautiful program for us. Thank you so much and have a great evening.